दादा क्या नाम है आपका? शेखर। दादा लकड़ी अलाव वाली आई तो क्या कहाँ गिरती है? लकड़ी यहाँ कहाँ गिरती है, गिरे तो सामने आपके जले ना, यहाँ कहाँ एक दिन गिरती है, चार दिन खाते में नोट हो जाता है, वहाँ पर लकड़ी यहाँ कहाँ गिर रहे हैं, मतलब ये जले ना यहाँ पर, मतलब ठंड लिया लोग परेशान है, तो बस स्टॉप पे मेन बस स्टॉप में बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, मतलब मेन चौराहे लकड़ी गिराते रहे लोग, मेन चौराहे पे कहाँ गिर रही है, जो गिरती है थोड़ी बहुत पीपल के नीचे गिर जाती है, यहाँ चौराहे पे कहाँ गिर रही है लकड़ी। दादा क्या परिचय आपका? परिचय ये है कि हम यहाँ रैन बसेरे में नौकरी करते हैं। दादा रैन बसेरे जो जिला स्तर के अंदर है वहाँ लकड़ी नहीं आती क्या नगर पालिका की? लकड़ी जी नहीं, यहाँ अभी तक तो नहीं है। ये लकड़ी कब से नहीं आ रही है आपने? अभी ठंडी से अभी तक एक बार भी नहीं आई वहाँ पे, कई रैन बसेरा में नहीं आई है, बाकी का मुझे पता नहीं कहीं आई हो अस्पताल में, जी हमारे रैन बसेरे में नहीं आई। वहाँ पे जो लकड़ी गिरवाते हैं बोलते हैं हम लकड़ी हर जगह गिरवा रहे हैं, क्या यहाँ नहीं आते लकड़ी? तो ये तो आप लोगों का काम है ना, आप लोग जानिए गिरवाते हैं कि नहीं गिरवाते हैं, आप लोग अपनी देख करिए, ये तो आपका आपकी जिम्मेदारी, हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ आप लोग ठंड के मारे परेशान होते, लकड़ी यहाँ आती नहीं है, ठंड के मारे यहाँ लोग परेशान होते, लकड़ी आती नहीं यहाँ पे ना भाई, कहते हैं इस बार अभी जब से ठंड शुरू हुई है अभी तक लकड़ी नहीं है। सर क्या पर्चा है आपका? जी राजेश यादव, राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद रायबरेली, मैं नगर क्षेत्र का अलाव प्रभारी हूँ। सर अलाव कहाँ का जल रहा है, किसे का जलवा है? शहर में जो मुख्य मंद जो है रैन बसेरा है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुख तौर पर जलाया जा रहा है। सर आप अलाव जलवाते हैं सामने खड़े होकर? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है, नगर पालिका के बहुत कर्मचारी लगे हुए हैं, सारी सफाई निरीक्षक के साथ साथ सभी लोगों की ड्यूटियाँ हैं इसमें, हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय भी हैं, सब लोग विजिट पे हैं, और प्रशासन स्तर से भी अधिकारी अध्यक्ष महोदय हमारे सब लोग विजिट भी करते हैं, और सभी अलाव के लगभग रैन बसेरों की सबकी जाँच पड़ताल करते हैं, जहाँ कमी होती बताते हैं जो तत्काल दूर किया जाता है। क्या कहेंगे जो पब्लिक ताप्ती है आप देखते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को, मतलब क्या महसूस होता है? ये गरीब राहत मिल रही है थोड़ा सा, जो रिक्शा वाले हैं या मान टेम्पो टैक्सी वाले हैं या जो असहाय हैं उनको रैन बसेरों में भेजा जाता है, और यहाँ अलाव से ठंडक में थोड़ा बहुत कुछ राहत मिली रही है।